उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, आपदा से जुड़ी। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो व्यास नदी से 40 लोगों को बचाया गया है, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपदा में अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 80 तक पहुंच गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो पीड़ित लोग उनसे मिल रहे हैं और आपदा से अब बड़ा सबक लिया जाएगा। उत्तराखंड में दुरुस्त होगा प्रबंधन का ढांचा। केंद्रीय टीम ने भी आपदा में क्षति जो हुई है उसका जायजा लिया है, तो इसको देखते हुए एक सबक लिया जाएगा कि कैसे भविष्य की रणनीति तैयार की जाए और इसको देखते हुए पूरा मैकेनिज्म जो होगा उसको नए सिरे से बनाने की अब आगे तैयारी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आफत आसमान से बरसी है, अब तक 80 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और तमाम लोगों को रेस्क्यू करके, हजारों लोगों को रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अभी भी कुछ लोग लापता है। सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सौरभ, आसमानी आफत में कहर बरपाया है पूरे उत्तराखंड में, अभी तक 80 लोगों की मौत। अब इससे खबर है कि अब इससे सबक लेगा शासन और प्रशासन। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो हवाई सर्वेक्षण से लेकर स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन विभाग की कमियां थी, जिसको जो है अपडेट करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर कहा था कि आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़ी टीम बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही जो तमाम वो सुविधाएं और उपकरण देने की भी जरूरत है, जिससे समय रहते जो है इन तमाम चीजों की जानकारी मिल सके, क्योंकि जब आपदा आ जाती है उसके बाद जो है उसकी भरपाई और उसके आकलन तक जो है सीमित रह जाती है सरकारें और अधिकारी। ऐसे में अधिकारियों को भी मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक निर्देश जारी कर रही है, एक जो है रोड मैप तैयार करने की बात कर रही है, तो अधिकारियों को जल्द से जल्द इस रोड मैप को तैयार करना होगा, जिससे राज्य में इस तरीके की आपदाओं से पहले उनको जो है अलर्ट किया जा सके। जी, और सौरभ देखिए, हर साल की बात, अगर हर साल अगर हम मानसून जो सत्र होता है, जो सीजन 3-4 महीने का होता है, ये उत्तराखंड के लिए काफी भारी पड़ जाता है। और ऐसे में अगर मैकेनिज्म दुरुस्त होगा, क्योंकि कुदरत से हम लड़ नहीं सकते लेकिन उससे संभल सकते हैं, और इसको लेकर बहुत जरूरी है इन मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की, और अब डबल इंजन की सरकार इस पे काम करेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी पिछले दो दिनों की जो बारिश का जो सिलसिला हुआ, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं, इसको लेकर जो है खुद केंद्र सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार से जो है लगातार खुद मुख्यमंत्री, अधिकारी, मंत्री तमाम जो है उन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार जब जो अलर्ट जारी हुआ था तो किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा इन तमाम चीजों को जो है एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए सही किया गया, दुरुस्त किया गया, और वहां से जो कई लोगों को वहां से बाहर भी निकाल दिया गया था, क्योंकि जब रेड अलर्ट जारी होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारी नदी किनारे रहने वाले या संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही हटा देते हैं। लेकिन इस बार जो है ये जरूर ये कहा गया कि अगर कोई इस तरीके का अलर्ट जारी होता है या कोई बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी अगर उत्तराखंड में लगती है तो उसका समय से जो है संज्ञान लिया जा सकेगा और उससे जो बेहतर लोगों को लाभ भी मिल सकेगा, क्योंकि बरसाती जो मौसम होता है उसमें काफी दिक्कतें आती है, चाहे वो सड़कें टूटने की बात की जाए, जान माल की हानि की बात की जाए, तो तमाम चीजें देखने को मिलती है। उससे जो सबक लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे जो है इन इस तरीके की आपदाओं से पहले ही अलर्ट जारी करते हुए लोगों को भी सेव करने के लिए अपील कर दी जा सके। जी चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।